सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये जो क्वेश्चन है काफी बार डाउट में आता है। इसमें बच्चे अक्सर जो है वो डाउट में इसको लाते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल है 10 ग्राम का, मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सलेशन भी है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बी केम 8 × 10⁻⁴ वेयर द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ढंग से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। समझना है, एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन है। सर्कल ढंग का बना दूं तो एक सर्कुलर मोशन है, दिस इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहां से चलता है, मान लो t इज इक्वल टू जीरो से यहां से मोशन करना स्टार्ट करता है और इस टाइप से सर्कल में चल रहा है, क्लियर है। इसकी रेडियस दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब कहता है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन है, टेंजेंशियल एक्सलेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और एक मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन तो बदलती रहेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁴ जूल। अब देखो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है 8 × 10⁻⁴ जूल है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है यार, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि हाफ एम बी स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट हाफ एम बी स्क्वायर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब दो रिवोल्यूशन करने के बाद इसका यहाँ पे कितनी टेंजेंशियल एक्सलेशन इधर होगी ए, उसकी कैलकुलेशन करनी हमें, ठीक है। कैसे किया जाए भाई, दो रिवोल्यूशन होने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा एक टाइम में 2π और दूसरे टाइम में 4π, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4π। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड जब चला था अरेस्ट से चला था और फाइनली वेलोसिटी इतनी है, तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं और थर्ड इक्वेशन मोशन लगाने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितना, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कितना हम लोगों को एक्सलेशन मिलेगा वहां से। क्या थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं, पूरे सर्कल के लिए लगा रहा हूँ। वी स्क्वायर ए आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सलेशन ए, और डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन ए नहीं आता, एंगुलर में एक्सलेशन 2 टाइम्स अल्फा थीटा, ये एंगुलर के लिए रेडी है इक्वेशन। जीरो से इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब हमें लीनियर एक्सलेशन चाहिए, तो लीनियर एक्सलेशन इसमें हम इन्वॉल्व करें, लीनियर एक्सलेशन इन्वॉल्व करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टू एम टू अल्फा थीटा, हाफ एम टू अल्फा थीटा, और यहाँ से हाफ ने हाफ को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब एम और थीटा और अल्फा, अल्फा को लीनियर से कन्वर्ट करो, सबको लीनियर, भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। तो इन सब की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू रखूँ अगर मैं इसमें, तो देखो मुझे क्या मिलता है, इधर मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम थीटा, और अल्फा की वैल्यू ए ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिखने लगेगा एक आर ने एक आर को ख़त्म कर दिया, तो ऊपर बचा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और डिवाइड कर दें, ठीक है, m m m थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4π, तो ये 4π m a, तो यह आ जाएगा 4π m r, एक आ रहे यहां से, दैट इज द लीनियर एक्सलेशन। ये लीनियर एक्सलेशन है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, टू मतलब थीटा की वैल्यू 4π रखने के बाद ये बता रहा है कि दो रिवोल्यूशन के बाद जो ये है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सलेशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करें, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है इधर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁴ जूल। तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8 × 10⁴ जूल डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू 22/7। मास कितना था, मास पार्टिकल का दिया होगा यार, मास 10 ग्राम था और रेडियस 6.4 था, मास 10 ग्राम था 10 × 10⁻³ और रेडियस 6.4 सेंटीमीटर था, तो मीटर 10⁻²। ये सारा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ये जो हार्ड वर्क है ये तुम कर लेना। 10 ग्राम था, 10 सेंटीमीटर था, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ठीक है फाइनल जो सोल्यूशन आता है 0.1 आता है, ठीक है 0.1 है ना, एक्सप्रेशन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट चलो।